Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic and interesting topic, iron ore. आज बेटा हम जो डिस्कस करेंगे वो आयरन ओर के बारे में डिस्कस करेंगे. पिछले वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था आप लोगों के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स. और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मेटेलिक मिनरल्स की. जो मेटेलिक जो मिनरल्स है उसका पहला ही ये वीडियो है हमारी. और मेटेलिक मिनरल्स के अंदर आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो क्या कर रहे हैं, आयरन के बारे में. जो आयरन है उसको डिस्कस करेंगे. इसके बाद आपको मैग्नीज की वीडियो देखने को मिलेगी और फिर नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना, तो आज केवल जो डिस्कस करेंगे वो आयरन ओर के बारे में डिस्कस करेंगे और इनसे बाहर आपको कोई भी जो क्वेश्चन है वो देखने को नहीं मिलेगा. और साथ ही में मैं आपको बता दूं बेटा कि जल्दी ही आपको हमारे जो मैप है उसकी भी जो वीडियो है वो जल्दी ही देखने को मिलेगी. जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा या कुछ जो टॉपिक हैं जिनमें हमें ये लगता है कि मैप कराना काफ़ी ज़रूरी है तो मैं उनमें मैप भी कराऊंगा आप लोगों को, ताकि जो मैप के साथ साथ आपकी जो और भी जो प्रॉब्लम हो वो भी सॉर्ट आउट हो जाए. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. आज की जो क्लास का जो टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया क्या है, आयरन ओर. आयरन ओर के बारे में डिस्कस करेंगे. आगे देखिए क्या बता रखा है बेटा इसने, आयरन ओर इज द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन. जो आज की जो सभ्यता है उसकी बैकबोन है, आज की जो इंडस्ट्री है उसकी एक बैकबोन मैं कह सकता हूँ कौन है, आयरन है. टुडे आयरन ओर इज़ यूज्ड ओवरऑल वर्ल्ड. वो पूरे वर्ल्ड के अंदर आज हम कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आयरन ओर का इस्तेमाल है वो करते हैं. टू टाइप्स ऑफ आयरन ओर मेनली हमारे इंडिया के अंदर दो तरह का जो आयरन ओर है वो मिलता है मेनली. पहला तो आता है हेमेटाइट, दूसरा आता है मैग्नेटाइट. हेमेटाइट और जो मैग्नेटाइट है वो देखने को मिलता है हमें. और टेंथ क्लास की वीडियो है वो भी बेटा मैं इन पे बना चुका हूँ, जिसका आप हमारे जो टेंथ क्लास के की जो वीडियो है जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप जाकर इनको अलग से डिस्कस कर सकते हैं, अलग से पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी आपको कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगी. यहाँ पर केवल मैं आपको जो आपको प्लस टू की जो लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है वही बता पाऊँगा. आपको छोटी छोटी और डिटेल चाहिए तो वो सारी चीज़ें आपको हमारी जो टेंथ की जो वीडियो है उसके अंदर देखने को मिलेंगी. हमें देखिए आप बात करते हैं प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की. जो प्रोडक्शन एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर डिस्कस करूँ मैं, उससे पहले आपको कुछ जो हेडिंग है जो बेस है, मतलब कहने का मतलब ये है जो बेस जो मैंने अभी अभी आपको तैयार करके दिया है ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है ना, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ मैं. ठीक है ना, हेमेटाइट, जो हेमेटाइट है उसका जो रिजर्व है ठीक है ना, ये हमारे पास कितना अवेलेबल है, 17,882 मिलियन टन. और कहाँ कहाँ मिलता है ये हमें, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा, इसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है. मैग्नेटाइट 10,622 मिलियन टन. ठीक है ना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर ये हमें देखने को मिलता है. तो यहाँ बेटा देखिए मैं काफ़ी बड़े में भी लिख सकता था और मैंने काफ़ी छोटे वे में इनको लिखने की कोशिश की है ताकि आप आसानी से समझ सकें. इंडिया प्रोडक्शन, इंडिया की जो प्रोड्यूस करता था वो कितना करता है, पहले 42 लाख टन इन 1950 और 51 के अंदर. ठीक है ना, जबकि 2011 में 2010 और 11 के अंदर जो प्रोडक्शन है वो लगातार इंक्रीज हुई और कितना हुआ, 2080 लाख टन की जो प्रोडक्शन है वो हमें देखने को मिली. काफ़ी तेज़ी से हम जो आयरन ओर है उसको प्रोड्यूस हम वो करते जा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि जो प्राप्त है वो करते जा रहे हैं बेटा. तो आपको आसानी से क्लियर हुआ होगा. अब आगे डिस्कस करते हैं इसी के अंदर क्या आते हैं कि अब हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि हमने कहीं डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी किया है और कुछ एक के अंदर कितना मिलता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस है वो की जाएगी. बात करते हैं पहले कर्नाटका. कर्नाटका पहले प्लेस पे आता है, सबसे ज़्यादा जो आयरन ओर है वो हमें कर्नाटका के अंदर मिलता है. लगभग 1/4 या मैं कहूँ कि 25% जो प्रोड्यूस है वो कहाँ पे होता है, कर्नाटका के अंदर होता है. बेलारी, एक बेलारी डिस्ट्रिक्ट है, बेलारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर्नाटका में भी सबसे ज़्यादा हमें जो देखने को मिलता है वो बेलारी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर. ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इम्पोर्टेंस प्रोड्यूसर चिकमंगलूर है, कालाहांडी है, चित्रादुर्ग है और दारवार है और तुमकूर डिस्ट्रिक्ट है, इनके अंदर हमें ये जो आयरन ओर है वो देखने को मिलते हैं बेटा.
छत्तीसगढ़ सेकंड प्लेस पे आता है, पहले प्लेस पे कर्नाटका है और सेकंड नंबर पे आता है बेटा क्या, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर जो प्रोडक्शन होती है वो 20% होती है, ठीक है ना, लगभग 1/5, ठीक है ना। इसके अंदर आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितनी प्रोडक्शन होती है, तो वो होती है बेटा 1/5, ये आप याद रख सकते हैं। इसके अंदर बेलाडीला है, दाली, राजधारा, दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ है, ये है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक पोर्ट लगता है इसके बिल्कुल नज़दीक, विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम से ये यहाँ पे जो आयरन ओर जो मिलता है उसका हम एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट कहाँ पे करते हैं, जापान में, ठीक है ना, कहाँ पे करते हैं बेटा, जापान में। तो ये भी आपको याद रखना है। उड़ीसा तीसरे नंबर पे आता है, इसके अंदर 19% जो प्रोडक्शन है वो होती है, केंदुझार, मयूरभंज और संबलपुर और सुंदरगढ़, ये जो हैं वो आते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट हैं। गोवा फोर्थ प्लेस पे आता है, 16% है, और कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, 16% की जो प्रोडक्शन है वो होती है, प्रोड्यूस किया जाता है, और 315 माइंस हैं इन नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा और सेंट्रल गोवा के अंदर भी, ठीक है ना, मिला के गोवा में 315 माइंस हैं, ठीक है ना। आयरन और यहाँ पे जो आयरन और जो मिलता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट किया जाता है। और नियरली जो बंदरगाह जो लगती है वो कौन सी है, मार्मा गोवा बंदरगाह से यहाँ पे जो भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, जो प्रोड्यूस होता है जो आयरन, उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है दूसरे देशों के अंदर। झारखंड के अंदर 15% है, धनबाद, हजीराबाग और सिंहभूज, संथाल, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे हमें झारखंड के अंदर आयरन ओर की जो प्रोडक्शन है वो देखने को मिलती है। कितना है झारखंड के अंदर, 15% है वो देखने को मिलता है बेटा। जबकि एमपी के अंदर बालाघाट, जबलपुर, महाराष्ट्र के अंदर चंद्रपुर और रत्नागिरी है, तमिलनाडु के अंदर सेलम और कोयंबटूर है, और आंध्र प्रदेश के अंदर कुर्नूल और गंटूर, ये स्थान है जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, आयरन ओर हैं वो देखने को मिलते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर भी देखने को मिलते हैं, राजस्थान के अंदर भी देखने को मिलते हैं, काफ़ी जगह हैं जो मैंने आपको बताई नहीं, पर ज़्यादातर जो डिटेल है वो आपसे इन्हीं पे पूछेगा, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, किसके अंदर पहला स्थान है और कितने परसेंट है। तो सारी जो टॉपिक था वो आपके सामने है, और अगली वीडियो के अंदर हम मैग्नीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और यदि आपको इसके बारे में कुछ और डिटेल भी चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तो आप हमारी जो 10th की जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, और ऊपर जो आई बटन जो दिया गया है उसके अंदर जो 10th क्लास का जो लिंक है, जो एक प्लेलिस्ट है 10th क्लास का, उसका जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ पे आप 10th क्लास की भी जो वीडियो है वो देखना चाहते हो तो आपको वो जो वीडियो है वो देख सकते हो बेटा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।